अब हम देखेंगे जिला प्रशासन, ठीक है। तो जिला प्रशासन में आपका पहला तो आएगा डीएम, ठीक है। तो हम एक जो प्रशासनिक आंदोलन के रूप में जिला प्रशासन को देख सकते हैं, क्योंकि 1947 से पहले एक जो हमारे जो प्रशासन जिला प्रशासन की भूमिका थी वो एक जो उसकी एक लोक कल्याणकारी अप्रोच नहीं थी, उसकी केवल एक रेगुलेटिंग अप्रोच थी। लेकिन 1947 में एक जो हम आजाद हुए तो उसमें एक प्रशासनिक आंदोलन हुआ, आमूलचूल परिवर्तन हुआ। प्रशासन के मूल्यों, व्यवहार और संरचना, उस सब में एक आमूलचूल परिवर्तन होता है। और हमको एक जो प्रशासनिक जो आंदोलन देखने को मिलता है उससे हमको एक लोक कल्याणकारी जिला प्रशासन मिलता है, ठीक है। तो स्वतंत्रता से पूर्व हमको केवल विनियात्मक कार्य ही देखने को मिलते हैं, जिसमें कानून, राजस्व, न्याय का प्रशासन जिलाधिकारी करता था, और दीवानी और फौजदारी दोनों ही मामले जो है वो उसमें न्याय प्रशासन डीएम करता था। लेकिन अब जो स्वतंत्रता के पश्चात जो कानून राजस्व प्रशासन का कार्य तो डीएम करता है, साथ में न्याय के प्रशासन में केवल रेवेन्यू संबंधित दीवानी मामले ही जो हमारा जिलाधीश देखता है, ये फौजदारी मामले दीवान ये नहीं देखता जिलाधिकारी, ठीक है। तो अब जो है डीएम जो है वो कानून व्यवस्था का जो है वो प्रमुख है, वो जिले की प्रमुख कानून व्यवस्था डीएम के अंदर। तो उसके अंदर वो क्या क्या कार्य ऐसे महत्वपूर्ण करता है वो हम देखते हैं। तो ये आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है, कि धारा 144 और 145 लागू करता है। सीआरपीसी की धारा 144 और 145, हम बात हमेशा 144 की बात करते ही रहते हैं, तो ये वही 144 सीआरपीसी की धारा 144 और 145 को लागू करने का कार्य जिलाधीश करता है। उसके अलावा इस कानून व्यवस्था में ये और क्या देखता है, तो जो जेलों की दौरे करना, ठीक है, कैदी की सेवा, क्या क्या सेवाएं मतलब कैदी को मिल रही है, ठीक है, एक जो मानवाधिकार के पक्ष से देखता है, और पेरोल स्वीकृत करने का कार्य भी जिलाधीश करता है। उसके अलावा जिले में पुलिस सर्कलों को तय करना और थानों अध्यक्षों की व्यवस्था करने का कार्य भी जिलाधीश ही करता है। और पुलिस एक्ट 1861 के में जो जिलाधीश को कानून व्यवस्था का प्रमुख बनाया गया, पुलिस एक्ट 1861 में जिलाधीश को कानून व्यवस्था का प्रमुख बनाया गया है। इसके अलावा पेट्रोलिंग, ट्रैफिक प्रोटोकॉल और पुलिस व्यवस्था का भी, ये जो पेट्रोलिंग के लिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए और प्रोटोकॉल पुलिसिंग के लिए भी यही डीएम ही व्यवस्था करता है, ठीक है। इसके अलावा आसपास की छावनी से भी संपर्क करता है, जो सैन्य छावनियां होती हैं, ठीक है, जैसे हमारे राजस्थान में अजमेर में नसीराबाद में सैन्य छावनी है। तो ये जो हर मतलब बड़े जिले में भी है, जयपुर में है सैन्य छावनी, उदयपुर में, हर जी बड़े नगर में है, और तो वहां पर सैन्य अधिकारियों के साथ मतलब संपर्क रखता है लगातार। और कभी ऐसी हालत हो जाए अपने जिले में कि मतलब सैन्य अधिकारियों की जरूरत हो तो उनको बुलाते हैं और उनका मार्गदर्शन भी ये करते हैं, और जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इसके बाद है राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन में कलेक्टर क्या काम करता है, तो ये पोस्ट ही रेवेन्यू प्रशासन से ही बनी, जो कलेक्ट यानी होता है भू राजस्व का संग्रहण करना। लेकिन वर्तमान जो समय है इसमें ये कलेक्टर दुखों को कलेक्ट करता है, जनता पीड़ित जनता के दुखों को कलेक्ट करता है कलेक्टर। तो इसमें राजस्व भू राजस्व को लेना, ठीक है, जो भूमि का पंजीकरण और लेन देन को सुदृढ़ करना, ठीक है, और कब्जे हटवाना, अवैध कब्जे हटवाना, ठीक है, और जो भू राजस्व नहीं देता है या फिर अवैध कब्जे होते तो उनको कुर्की और जब्त करने का काम करता है, और आपदा प्रबंधन का कार्य भी कलेक्टर इस भू राजस्व प्रशासन के अंदर करता है। और इसके अंदर अलावा मृदा परीक्षण, कृषि गणना, पशु गणना, सभी बहुत सारे रेवेन्यू बोर्ड के बहुत सारे कार्य कलेक्टर ही करवाता है निम्न अधिकारियों के माध्यम से, ठीक है। न्यायिक प्रशासन में न्यायिक राजस्व संबंधी दीवानी मामलों को कलेक्टर ही देखता है। इसके बाद है चुनाव। तो जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत जिला अधिकारी जो है जिला निर्वाचन के अधिकारी के रूप में कार्य करता है कलेक्टर, ठीक है। जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत जिला निर्वाचन के अधिकारी के रूप में कार्य करता है जिला कलेक्टर। ये निर्वाचन नामावली तैयार करता है,
ईवीएम की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उम्मीदवारों के लिए इलेक्शन एजेंट, पोलिंग एजेंट और काउंटिंग एजेंट भी निश्चित करता है। ठीक है, इलेक्शन एजेंट से खर्चे का हिसाब भी अपने कलेक्टर ही लेता है। रोड शो में जो 40 आदमी होने चाहिए, एक दल की अगर उम्मीदवार है तो उसके रोड शो में अधिकतम 40 आदमी हो सकते हैं, और अगर निर्दलीय उम्मीदवार है तो उसके 20 आदमी ही हो सकते हैं, ऐसा सुनिश्चित करता है रोड शो के दौरान। और बराबर मत हो पड़ते हैं जब, तो उसमें एक निर्णायक मत कलेक्टर ही देता है। ठीक है, और आपदा प्रबंधन में केंद्र जो है वो एनडीएम में जो है वो पीएम देखता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो जो केंद्र सरकार के लेवल पर पीएम इसका अध्यक्ष होता है, और इसका जो सचिव होता है वो गृह सचिव होता है। ठीक है, तो जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी होती है उसका सचिव गृह सचिव होता है। ठीक है, केंद्र के लेवल, राज्य के लेवल पर देखें तो जो एसडीएम में है उसका अध्यक्ष सीएम होता है। ठीक है, और एससीसी, ठीक है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी, तो इसमें मुख्य सचिव जो है इसके सचिव के रूप में भूमिका निभाता है। ठीक है, तो राज्य में आपदा विभाग होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो कलेक्टर सह अध्यक्ष होता है। ठीक है, अध्यक्ष तो चीफ मतलब मुख्य सचिव भी होता है। ठीक है, तो सह अध्यक्ष के रूप में डीएम की भूमिका रहती, और यही मतलब पंचायती राज्यों और नगर पालिकाओं से भी अटैच होते हुए उनके साथ में आपदा से निपटान का कार्य जो कलेक्टर करता एक सह अध्यक्ष के रूप में है। लेकिन क्योंकि सत्ता पूरी कलेक्टर के पास ही है, इसलिए वो पुलिसिंग और खर्च का कार्य भी कलेक्टर ही करता है। तो एक सह अध्यक्ष के रूप में रहते हुए भी एक वास्तविक अध्यक्ष के जितना वो कार्य करता ही है। तो इसके अलावा आपदा प्रबंधन में मृदा की आपदा की आर्द्रता की जांच, भीड़ वाले स्थानों पर सीसीटीवी और एक्सरे कैमरा सुनिश्चित करने का कार्य, कमांड एरिया डेवलपमेंट में बाढ़ से बचाव का कार्य भी कलेक्टर करता है। इसके अलावा दर्शनीय स्थलों पर बैरिकेड, महिला और पुरुष के लिए अलग अलग बैरिकेड और भीड़ नियंत्रण, जैसे हमारे चामुंडा माता का जो केस हुआ था जो भीड़ से आदमी की जान गई, तो वैसे ही मतलब अच्छा उसमें कुछ सुधार करें, दर्शनीय स्थलों पर भीड़ का नियंत्रण कैसे किया जाए, ओवर ब्रिजों को खाली कराना, जब कुछ ऐसी अगर हो जावे भगदौड़ तो वहां पर बचाव करना, सूखा की स्थिति में मवेशियों के लिए घास की व्यवस्था करना, और सिक्का में मुआवजा स्वीकृत कराना। ठीक है, संप्रदायिक संवाद नहीं बदले तो इसके लिए CLG कम्युनिटी लेजर ग्रुप, ठीक है, ये साथ बैठकर ना कम जो भी सभी धर्मों के महत्वपूर्ण जो लोग हैं, ठीक है, तो उनके साथ मिलकर मीटिंग करते हुए और उनको विश्वास में रखना कि जिला प्रशासन उनके साथ है, और कोई भी ऐसी जो घटना है अप्रिय घटना, सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो नहीं बिगड़ना चाहिए, और जो सबकी भूमिका सुनिश्चित करना कि भाई आप जो है हम सब जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, राजनीति काम तो भटकाना है लेकिन हमको देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, खतरनाक उद्योग में जो है वो उसमें बाल श्रम न हो, और जो मानक के अनुसार ही वहां पर कारीगर कार्य करते, ये सभी कलेक्टर सुनिश्चित करता है। ठीक है, कम्युनिटी पोलिंग क्या है, तो धार्मिक समुदाय के प्रभावशाली धार्मिक समुदायों के प्रभावशाली लोगों को विश्वास में रखते हुए उनके से जो उनके धर्म जो उसके समुदाय में विश्वास बनाते हुए जिला प्रशासन जो कार्य करता है उसको कम्युनिटी पोलिसिंग करते हैं, प्रभावशाली लोगों किसे जोड़कर जो एक पोलिसिंग का कार्य किया जाता है उसे कम्युनिटी पोलिसिंग कहते हैं। तो अब स्थानीय निकाय के में कलेक्टर की क्या भूमिका उसको देखेंगे, तो इसका स्थानीय निकायों की स्वयं की नौकरशाही नहीं होती। ठीक है, स्थानीय निकायों की स्वयं के निकाय नौकरशाही नहीं होती, क्योंकि पटवारी, भी RI, तहसीलदार, ये सभी रेवेन्यू प्रशासन के भाग है, तो इनकी भूमिका ज्यादा ही रहती है। अभी हाल ही में तो कुछ पंचायत सहायक और सचिवों की और नियुक्ति होने लगी है, लेकिन पहले जो मुख्यतः कार्य इसका अपने राजस्व प्रशासन के अधीन ही होता था, और आज भी बहुत तेरा कार्य राजस्व प्रशासन के कर्मचारी और दूसरे विभाग के कर्मचारी ही करते हैं, जैसे शिक्षा विभाग हो गया, ये हो गया, तो उसको कलेक्टर ही राजा और पंचायतों को स्थानीय निकायों भी कर्मचारी उपलब्ध, ये अपना जो है कलेक्टर ही करवाता है। इसके अलावा पुलिस मुखिया भी DM है, पुलिस एक्ट 1861 के तहत कलेक्टर ही जो मुखिया है, और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी कलेक्टर को दी जा रही। ठीक है, इसके अलावा जिला नियोजन समिति का पदेन सदस्य सचिव भी होता है,
और जिला प्रमुख जिसका अध्यक्ष होता है वो अपरिवेक होता है। जो जिला नियोजन समिति है उसका अध्यक्ष जिला प्रमुख जरूर होता है, लेकिन वो अपरिवेक होता है, उसको नॉलेज नहीं होता। वो तो एक लोकप्रिय होता है और चुनाव जीत के, महज चुनाव जीत के आया होता है, लेकिन कलेक्टर जो है वो वस्तु स्थिति से परिचित होता है और व्यवहारिक और जमीन लेवल पर योजनाओं का क्रियान्वयन करना जानता है। तो कलेक्टर की सलाह ही जो जिला नियोजन समिति में मानी जाती है, और महानगरीय समिति में भी इसी प्रकार से कलेक्टर जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बाद कई प्रकार की समन्वय समिति की अध्यक्षता कलेक्टर करता है, कई प्रकार के समन्वय समिति की व्यवस्था भी कलेक्टर करता है। और जो रोल केंद्र और राज्य में राज्यपाल का है, वही राज्य और जिले में कलेक्टर का रहता है। ठीक है, एक राज्य का एजेंट है कलेक्टर, मतलब एजेंट तो गलत शब्द हो रहा है, लेकिन राज्य का प्रतिनिधि जो है जिले में वो कलेक्टर ही है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि डीएम और एसपी एसपी में जो विवाद है, तो वो विवाद के क्या कारण रहे उसको हम थोड़ा देखेंगे। तो जो एसपी की भूमिका पहले हम देखेंगे, तो एसपी की भूमिका है कि जिले में जितने भी हथियार है और गोला बारूद के ऊपर नियंत्रण एसपी द्वारा रखा जाता है। और पुलिस एक्ट 1861 में कानून व्यवस्था के लिए जो प्रमुख जो बनाया गया वो कलेक्टर को बनाया गया, लेकिन जो उत्तरदायित्व जो है वो एसपी को दिया गया और डीएम को सहयोग देने का निर्देश दिया गया। ठीक है, और अपराध की न्यायिक व्यवस्था में अपराध होने पर जो एफआईआर पंजीकरण और अन्वेषण का कार्य इस एसपी के माध्यम में ही होता है, और डीएम के निर्देशन पर पुलिस सर्किल का निर्माण निर्धारण करता है, पेट्रोलिंग लेन का संचालन करता है अपना एसपी, और सांप्रदायिक और साप्ताहिक और मासिक आधार पर अपराध की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजता है। तो अब कलेक्टर और एसपी के बीच में जो विवाद है उसका कारण है कि जो 1861 एक्ट है वो सत्ता को तो कलेक्टर को देता है, लेकिन जो उत्तरदायित्व है वो डीएम को देता है। तो ये बराबर नहीं, सत्ता और उत्तरदायित्व बराबर नहीं। इसके बाद जो डीएम का तर्क है वो और एसपी का तर्क क्या है, जो ये जो सत्ता और उत्तरदायित्व का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें दोनों के अपने अपने तर्क है, तो डीएम का क्या तर्क है वो हम देखते हैं। क्योंकि डीएम जो है वो किसान, विद्यार्थी, नागरिक, जो समाज का, क्योंकि पूरे जिले का वो अधिकारी है। ठीक है, तो जैसे कोई जिला शिक्षा अधिकारी है, जिला कृषि अधिकारी है, तो उसके ऊपर भी अब जिला कलेक्टर उसके ऊपर कार्य करता है, तो उसी प्रकार से एक पुलिस अधिकारी के ऊपर भी कलेक्टर होना ही चाहिए। ठीक है, ताकि जो कुछ समस्याएं ऐसी होती है जैसे चुनाव करवाना है, ठीक है, तो चुनाव कराएंगे तो पुलिस की जरूरत है, चुनाव में ड्यूटी सब जगह लगानी पड़ेगी, हर मुख्य हल पोल बूथ पर पुलिस भेजना पड़ेगा। तो अगर कलेक्टर के पास पावर नहीं हो और एसपी अगर मना कर दे मैं नहीं भेज रहा हूँ बूथ पे, हो सकता है मना कर सकता है। ठीक है, तो तब वहां पर कलेक्टर क्या करेगा, उसको तो भाई सुरक्षा की जरूरत है, तो वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए कलेक्टर को प्रमुख बनाना ही चाहिए, क्योंकि पूरे जिले का प्रमुख है, हर विभाग का प्रमुख है, तो कलेक्टर को प्रमुख होना ही चाहिए। ठीक है, ताकि बहुत सारी समस्या जैसे किसानों की और विद्यार्थियों की, जैसे कोई आंदोलन कर रहे हैं किसान, विद्यार्थी और नागरिक, तो कलेक्टर के पास अगर जैसे कोई एसपी है तो वो क्या करेगा, लाठियां बांध देगा, लेकिन कलेक्टर क्या करेगा, उसके पास पावर है कि भाई कृषि में किसी को समस्या है, लोन जैसे कुछ ज्यादा हो गया या फिर कोई अप्रिय घटना हो गई, तो कलेक्टर डायरेक्ट उसको राहत देगा। ठीक है, तो राहत देने से वैसे ही उसको जो बचाव होगा, ठीक है, वैसे ही आंदोलन शांत हो जाएगा, लेकिन अगर जो एसपी है तो उसके पास तो एक वो हार्ड पावर ही रहेगी, लाठी की पावर ही रहेगी। ठीक है, कलेक्टर के पास सॉफ्ट पावर भी रहेगी, तो वो वैसे ही समस्याओं को समाधान कर देगा। तो उसको समझते हुए इसकी सत्ता कलेक्टर को होनी चाहिए। इसके बाद क्या है, तो वही चुनाव में, विकास में, राजस्व उगाही में, तो ये ऐसे कार्य, चुनाव, विकास और राजस्व उगाही जैसे कार्य पुलिस की सहायता के बिना हो ही नहीं सके थे, जैसे अतिक्रमण हटाना आपको, ठीक है, और जैसे आप बिना पुलिस के जा ही नहीं सकते। तो अगर पूरे पुलिस प्रशासन एसपी के नियंत्रण में है, और जो कुछ कोई तहसीलदार अगर पुलिस को कहे कि भाई हमारा अतिक्रमण हटाना है और साथ में चलो, तो पुलिस तो मना कर देवे, तो उस स्थिति में फिर क्या होगा, ऐसे तो काम रुक जाएगा विकास का। तो इस स्थिति में कलेक्टर के निर्देशन पर, कलेक्टर के अंदर में रहने पर कलेक्टर जो
जो तार्किकता के आधार पर पुलिस को जो हर कार्य में भेजेगा। डीएम क्योंकि सरकार का प्रतिनिधि है तो उसके उसका नियंत्रण रहना ही चाहिए पुलिस पर। और ये परंपरा रही हमारे ब्रिटिश शासन से ही, जो डीएम जो है मतलब उस समय में जो भी अधिकारी होता था जिला अधिकारी, वो एक पुलिस या फिर सैन्य पर एक नियंत्रण स्थापित रखता था। जो भी एजेंट होता था, पॉलिटिकल एजेंट हर राज्य में, तो वो एक नियंत्रण रखता ही था। तो इसने मांग को भी पूरा किया अपना, जो देश का जो 70 साल का स्वतंत्रता के बाद का जो रहा है, स्वतंत्रता के बाद का जो एक हम देखें कि जो विकास क्रम रहा है, उसमें अपने जो इस कलेक्टर है उसने इस मांग को पूरा किया है, ठीक है। और कभी इतने बड़े विवाद नहीं होने दिए, ठीक है। और जो कलेक्टर जो है उसको जो बातचीत, क्योंकि हर हर विभाग उससे जुड़ा होता है, तो सभी से कैसे बातचीत करनी है, ठीक है। और उपयुक्त सुविधा देकर ही वो बहुत सारी चीजों को शांत करवा लेता है, ठीक है। तो गोली चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी जब वो सॉफ्ट तरीके से हर चीज को सुलझा लेगा, ठीक है। तो उसको हार्ड करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो उत्तरदायी तो उसके पास सत्ता उसके पास रहेगी, तो उस चीज का भी प्रयोग कभी भी कर सकता है, आवश्यकता अनुसार उसका भी प्रयोग कर सकता है, ठीक है। जहाँ पे अगर आंदोलन बहुत उग्र हो गया है और कुछ नहीं इलाज, तो वो एसपी को ऑर्डर दे के आंदोलन शांत करा देगा। लेकिन ऐसी भी पावर भी है कि वो आंदोलन को बढ़ने नहीं दे, डायरेक्ट रोक दे, ऐसे भी पावर मतलब सॉफ्ट पावर भी। तो इस प्रकार से कलेक्टर के पास होना चाहिए, लेकिन एसपी के पे ही अपने तर्क है और थोड़े वाजिब भी नजर आते हैं, ठीक है। तो एसपी जो है वो सत्ता और उत्तरदायित्व का जो एक लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो उस सिद्धांत को पालन करवाने की बात करता है कि इस सिद्धांत का पालन होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि आयुक्त प्रणालियों में भी बेहतरीन काम किया है। जो हमारे जयपुर और जोधपुर कमिश्नरेट है, वहां पे पूरी सत्ता कानून व्यवस्था के संबंध में हमारे एसपी को ही है, तो वहां पे एक बेहतरीन कार्य किया है। तो क्यों ना इस पर को सब जगह लागू किया जाए, ठीक है। और कानून व्यवस्था अध्यक्षता जो अगर पुलिस करेगी, तो जांच के संस्थान, फिंगरप्रिंटिंग लैब, हॉस्पिटल, ये सभी इन सभी पर भी नियंत्रण आ पाएगा, ठीक है। तो ये सभी जांच के और अन्वेषण फिंगरप्रिंटिंग कार्य और भी बेहतर हो पाएंगे अगर पुलिस का नियंत्रण कानून व्यवस्था हो जाता है। तो उसके बाद जो है क्योंकि दोनों ही आईसीएस एग्जाम जो सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करके आते हैं, और फाउंडेशन ट्रेनिंग दोनों के साथ में होती है, तो नागरिकों के समस्या को समझना और उनके साथ बेहतर इंटरेक्ट करना, ये तो दोनों को ही आता है, कलेक्टर को भी आता है और कोई भी जो सिविल सर्विस का आदमी है तो उसको जनता के साथ जो संपर्क है उसको साधना आता ही है। और आज के दौर में जो अपराध है वो वैश्वीकृत हो गया है और विशेषीकृत अपराध हो गया, जो सोशल मीडिया पे जो साइबर अपराध है और इस प्रकार से वैश्वीकृत और विशेषीकृत अपराध हो गया। तो उसके लिए हमको उसके निपटान के लिए वैश्वीकृत और विशेषीकृत प्रणाली की जरूरत है। तो आईएएस जैसा जर्नलिस्ट उसको जो है संतोष पत्र कार्य नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हमको जो इसमें आईपीएस जो है पुलिस अधिकारी एसपी जो है उसको उसकी भूमिका बढ़ानी पड़ेगी। और इस वजह से आईएएस की जो को सत्ता होने से जो हमारे पुलिस का मनोबल भी गिरता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो ग्रामीण भारत में डीएम का बल्ला ही भारी लगता है, क्योंकि रेवेन्यू प्रशासन है, ठीक है, और चुनाव कार्य दूर दराज के क्षेत्रों में, ठीक है। उस हिसाब से तो ग्रामीण क्षेत्र में तो कलेक्टर का आईएएस का पदरा ही भारी है, लेकिन जो शहर है वहां जहाँ पे कमिश्नरेट प्रणाली बेहतरीन कार्य है, तो शहरों में हमको कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए, ठीक है।